पिताजी, गीता में जो है ये श्लोक आया है कि ब्रह्म ने जो है वो कहा कि यज्ञ करना चाहिए मनुष्य को। तो यज्ञ या यज्ञ का जो है वो गीता में अर्थ क्या है? यज्ञ मतलब क्या करना चाहिए? क्या वो हवन लेकर वो करना चाहिए या उसका अर्थ क्या है? यज्ञ जो है एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पाणिनि आचार्य ने यज्ञ का अर्थ पूजा दान संगतिकरण बताया है। इसमें पूजा का तात्पर्य होता है सत्कार, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं समाज में यथा योग्य उनका सम्मान करना चाहिए। सत्कार के भी पूजा के भी कई अर्थ हो जाते हैं कि सत्कार जो है जैसे अपने से बड़े हैं उनका तो हम हर तरह से मन से, वचन से, कर्म से, वाणी से अथवा भोजन वस्त्र आदि से, माता पिता आदि हैं, आचार्य हैं, अतिथि हैं या गुरुजन हैं, तो उनका हम जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करते हुए हम उनका सम्मान करें, सत्कार करें, उनके आदेशों का अगर जो अच्छे हैं उनका पालन करें। और कोई वस्तु है उसका हम उपयोग अच्छी तरह करें, वह भी उसकी पूजा है। किसी वस्तु की रक्षा करें वह भी एक तरह से पूजा है। जैसे बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनको पूजा के नाम पर मूर्ति पूजा जिसे करते हैं लोग, तो मूर्ति पूजा जो है उतनी अभीष्ट नहीं है जितना कि उस व्यक्ति के, जैसे राम का या कि कृष्ण का, इनका इनकी मूर्तियां बना करके पूजने की अपेक्षा आवश्यक यह है कि हम इनके चरित्रों को, जो उत्तम चरित्र हैं, इन्हें हम धारण करें, समझें और दूसरों को प्रयत्न करें पालन करने के लिए कि वे भी उसी तरह के बने, परोपकारी बने, स्वयं में संकल्पित और सुदृढ़ तथा उत्तम आचरण वाले बने। और उनके चित्रों की पूजा न करके बल्कि स्वयं जो हैं ढल करके और समाज को भी उसी तरह बनाने का प्रयत्न करें, तो ये उनका एक तरह से सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, उनकी पूजा हुई कि उनके आदर्श को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो महापुरुषों के चरित्र को उनके चित्र की नहीं बल्कि उनके चरित्र की हम पूजा करें, चरित्र को हम स्वयं माने और दूसरों को भी मनवाने का प्रयत्न करें, ये उनका सत्कार हुआ। दूसरे कोई वस्तु है जो रक्षा के योग्य है तो उसको हम सुरक्षित रखें, वह भी एक तरह से पूजा है। पूजा का एक अर्थ हो यह भी होता है कि जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, कोई गंदा काम करता है उसे दंड दिया जाता है, तो एक है पूजा थोड़ा कर दी, इसकी पूजा आप कर दें, बड़ा ये उद्दंड बन रहा है, तो उसका तात्पर्य हो गया कि उसे दंड दे दें, क्योंकि दंड भी एक तरह से उसको, चूंकि जो विकृत हो रहा है, बुरा हो रहा है, अगर वो समझ गया तो सुधर जाएगा, और सुधार हो गया तो कल्याण की भावना से चूंकि वो किया जाता है, दंड दिया जाता है, इसलिए तो इस तरह से पूजा जो है और दान की, जितने भी कमजोर लोग हैं जो किसी प्रकार से उनका धन से, भोजन से, वस्त्र से, शरीर की सहायता के द्वारा कैसे भी अगर हम उपकार करते हैं, कैसे भी हम कुछ उनको देते हैं समय और सहायता करते हैं, तो वो भी दान के अंतर्गत सब आ जाता है। तो इससे समाज में परस्पर प्रेम भी बढ़ता है और उन्नति भी अधिक होती है। और संगतिकरण से तात्पर्य होता है कि एक दूसरे के व्यवहार को समझकर एक दूसरे से सहायता लेते और देते हुए हम अपने और अपने समाज को, परिवार को, राष्ट्र को हम आगे बढ़ाएं।
और फिर राष्ट्र से आगे तो मान लीजिए विश्व की बात आती है तो प्रत्येक राष्ट्र जो, या कि भारत राष्ट्र है जैसे हमने गीता में दिखाया है कि भारत का मतलब ही होता है भा, जो प्रकाश है उसमें जो रत लगा हुआ रहा हो सदा ही। तो ऐसा व्यक्ति, इसीलिए ऐसा जो देश है, और इसी तरह से भारत को आदिगुरु भी कहा गया है, क्योंकि प्रकाश यहाँ से ही फैला है संसार में, विश्व में। तो ये संगतिकरण से तात्पर्य यही है कि हम एक दूसरे की सहायता करते हुए है, जो बुराइयाँ हैं उनको भी दूर करें, जो अच्छाइयाँ हैं उनको ग्रहण करें। तो इस तरह से जो यज्ञ का ये सामान्य रूप हुआ व्याकरण की दृष्टि से, लेकिन ऐसे तो ब्रह्मांड ही यज्ञ है। यह जो हमारे यहाँ हवन किया जाता है, ये एक तरह से सामान्य छोटा सा उसका प्रतीक रूप कि हम हवन करते हैं, तो उससे जो उत्तम पदार्थ डालते हैं, तो एक तो जो जल है और वायु है उसे की शुद्धि होकर वृष्टि आदि का, अथवा जो रोग हैं उनके प्रसरण में जो है नियंत्रण होता है। दूसरे यह है कि जो जो हम समर्पित होकर कुछ उसमें त्याग की भावना से हम देते हैं, तो एक तरह से जो मंत्रों में कहा भी जाता है बीच बीच में कि इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः, सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः, कि मतलब ये हमारा है, हमारा नहीं है बल्कि ये आपका है, आपके लिए है। तो एक तरह से किसी भी वस्तु को, अच्छा स्वाहा का अर्थ भी इसलिए महर्षि दयानंद ने लिखा है कि जो यास के यास मुन के आधार पर कि सु वाग वा आहेति वा, यानी सु आ अर्थात सुंदर बोलें, मीठा बोलें, अच्छी तरह बोलें, और स्वाग वा यानी अपने स्वतम प्रतिवा, यानी अपने अपनी जो वस्तु है उसको ही मैं अपना कहें, दूसरे की वस्तु को ना स्वीकार करें। और दूसरे है कि जो हम कोई भी बात कहें वो हितकारी हो, कल्याणकारी हो, या जो हम कह रहे हैं उसके अनुसार आचरण भी करने का हम प्रयत्न करें। तो इस तरह से ये जो यज्ञ है वह ब्रह्मांड के स्वरूप में है कि जो ब्रह्मांड है वह भी एक यज्ञ है, यानी परमात्मा का जो यज्ञ है, यह सृष्टि जब उत्पन्न होती है तभी से प्रारंभ हो जाता है, और एक तरह से यज्ञ चल भी रहा संसार में, कुछ न कुछ जो परिवर्तन हो रहा है, जो आहुतियाँ हो रही हैं उनसे जो सृष्टि में, वह ब्रह्मांड और पिंड को जो एक समान बताया गया है उसमें भी यही बात है कि पिंड में भी एक तरह से यज्ञ चल रहा है। हम ये देखें कि जो भी हमारा शरीर है एक तरह से वो यज्ञ का छोटा रूप ही है, और उससे यानी सामान्य रूप में जो आहुति दी जाती है उनके विषय में भी अगर हम ध्यान दें, तो जो है इसमें हम आहुति देते हैं और ये जो शरीर है अपने अंदर ही सभी अंगों को पहुंचाता रहता है, प्रत्येक जैसे आमाशय में वस्तुएं जाती हैं तो उसे द्वारा रस बनता है, रसाश्रिंग मांस में दोस्त मज्जा शुक्राणु धातु जायन्ते अन्योन्यता पाजिता पित्त तेजसा, सात धातुएं हैं ये क्रमशः जो हैं बनती हैं। तो क्रमशः ये जो हैं पहली रस बनता है, और रस से फिर धीरे धीरे रक्त आदि बनता हुआ, और फिर अंत में शुक्र जो बल बुद्धि और शक्ति प्रदान करने वाला, ओज और तेज प्रदान करने वाला होता है वह भी। तो इस तरह से और यज्ञ से तात्पर्य भी होता है हम आगे बढ़ते रहें, चलते रहें, हम निरंतरता जो है, निरंतर जो है कुछ ना कुछ करते रहें, क्रियाशील रहें। तो
एक तरह से यज्ञ जो है वो क्रियाशीलता का भी द्योतक हो जाता है। इस तरह यह संपूर्ण मानव के जीवन को एक उत्तम स्वरूप देने के लिए, यानी मानव के शरीर से लेकर और जितना भी समाज में उत्तम कर्म करने के लिए हम त्यागपूर्वक भोग करते हुए और दूसरों का उपकार भी करते हैं, सहायक होते हैं या सहायता लेते हैं, मिलकर के चलते हुए चलाते हैं समूह रूप में भी, तो क्रमशः जो है यज्ञ का ही रूप हो जाता है, जिसमें कि संपूर्ण समाज का, राष्ट्र का कल्याण होता है और राष्ट्र के साथ फिर विश्व का भी हो सकता है। और इस तरह जब संपूर्ण राष्ट्र और विश्व का होगा तो अपना तो स्वयं कल्याण हो ही जाता है, उसमें निहित ही है।